हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। सो आज हमारी है क्लास 9 DSSS में पीआरटी एग्जाम के लिए पैडागोजी सेक्शन में। एंड जो भी बच्चे को अभी नहीं पता है, आपके फ्रेंड्स अगर देख रहे हैं इस चैनल से वीडियोस को, तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो। पैडागोजी का सेक्शन 100 मार्क्स का हम पूरी तैयारी कराएंगे इसमें। जब तक एग्जाम होगा डेफिनेटली आपको सेक्शन 200 मार्क्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। इस बार वीडियोस ऐसा नहीं होगा कि बीच में आती है बीच में नहीं आती, इस बार हम कंटिन्यूटी में रखेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ग्रोथ कर लिया था, डेवलपमेंट कर लिया, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कर लिया, एंड साथ ही में हम चाइल्ड डेवलपमेंट भी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम करेंगे ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। देन हम नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी ग्रोथ की क्लास देखी है, डेवलपमेंट की क्लास देखी है, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक बार जाके क्लास नंबर 5 एंड 6 देख लेना, 6 एंड 7 सॉरी, इनमें आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड बाकी आप सारी क्लासेस को भी देख सकते हो। हमने यूनिट 1 में साइकोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी को कंप्लीट करा है, एंड ये अब हमारी सेकंड यूनिट चल रही है जिसमें कि हम चाइल्ड के डेवलपमेंट को कंप्लीटली पढ़ेंगे अच्छे से। अब बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। तो जो स्टूडेंट्स ग्रोथ होती है, ये आपकी ऑलवेज क्वान्टिटेटिव होगी, वेयर एज जो आपकी डेवलपमेंट है ये क्वालिटेटिव होगी, साथ ही आपकी क्वान्टिटेटिव भी होगी। लेकिन जब डिफरेंस की बात करेंगे तो हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है क्वालिटेटिव। सेकेंड, जो आपका ग्रोथ है ये आपका सिर्फ एक फिजिकल चेंज होता है, मतलब फिजिकली जो चीज़ें दिख रही हैं जिसमें भी चेंज आ रहा है वो सब कुछ ग्रोथ है। लेकिन जो डेवलपमेंट है ये आपका ओवरऑल चेंज होता है, इसमें आपके फिजिकली क्या चेंज हुआ ये भी आता है, एंड साथ ही में आपका मॉरल डेवलपमेंट कैसे, आपके अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, आपके बिहेवियर में क्या चेंज आया, आपका एटीट्यूड कैसा है, ओवरऑल जो भी आपके अंदर आपकी एक पर्सनैलिटी बन रही है वो सारा चेंज डेवलपमेंट में आता है। जो ग्रोथ है ये पार्ट है डेवलपमेंट का, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, बट जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीटली ग्रोथ नहीं हो सकती। मतलब ग्रोथ अगर हो रही है तो डेवलपमेंट होगा, ये श्योरिटी है। लेकिन अगर डेवलपमेंट हो रही है और अगर हम ये बोलते हैं कि सब कुछ जो भी डेवलपमेंट हुई है वो सभी ग्रोथ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए सिर्फ ग्रोथ जो है पार्ट है डेवलपमेंट का, बल्कि जो डेवलपमेंट है ये एड्रेस करती है कि कंप्लीटली क्या चेंज आया है, एड्रेसेस चेंजेस एज अ होल, मतलब कंप्लीट चेंज क्या है ये डेवलपमेंट बताती है। साथ ही में जो ग्रोथ है ये रुक जाती है एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ में आके, या फिर एक सर्टेन एज में आप कह सकते हो, स्टॉप्स एट मैच्योरिटी, बल्कि जो डेवलपमेंट है ये कंटिन्यू रहती है आपके टिल डेथ तक। जब तक आपकी डेथ नहीं होती आप में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता ही रहता है। एंड जो आपकी ग्रोथ है ये कंप्लीटली मेजरेबल है एंड ऑब्जर्वेबल है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है ये, क्योंकि हमें सामने सामने दिख जाती है तो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, साथ ही हम इसको मेजर कर पाते हैं, क्योंकि हाइट है वेट है वो आप एक्यूरेट बता सकते हो क्या है। लेकिन जो डेवलपमेंट है ये हम एक्यूरेट नहीं बता सकते, तो ये क्वालिटेटिव चेंज है। लेकिन जब इसमें क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो हम एक्यूरेसी नहीं बता पाते, ये नॉट एक्यूरेट रहता, ये हम बस अप्रोक्स बता पाते हैं, अप्रोक्स वैल्यूज दे पाते हैं, अप्रोक्स ये मेजरेबल है आपकी डेवलपमेंट। तो ये कुछ आपके डिफरेंसेस थे। तो हमने कितने डिफरेंसेस पढ़े, ग्रोथ हमारा क्वांटिटेटिव है, वेयर एज डेवलपमेंट आपकी क्वालिटेटिव है, ग्रोथ हमारा फिजिकल चेंज है, वेयर एज डेवलपमेंट आपका ओवरऑल चेंज है, ग्रोथ हमारा पार्ट है डेवलपमेंट का, वेयर एज जो डेवलपमेंट है ये एड्रेस करती है कि कंप्लीटली क्या चेंज आया है, एड्रेसेस चेंजेस एज अ होल। जो ग्रोथ है आपका ये मैच्योरिटी पे आके रुक जाती है एंड ये कंटिन्यू चलती है डेवलपमेंट टिल डेथ तक, जब से पैदा होते हैं तब से लेकर डेथ तक आपकी डेवलपमेंट कंटिन्यू रहता है। ग्रोथ जो है ये ऑब्जर्वेबल है, मेजरेबल है, एक्यूरेट डाटा देती है, वेयर एज जो डेवलपमेंट है ये एक्यूरेट नहीं होती एंड ये अप्रोक्स मेजरेबल डाटा ही हमें प्रोवाइड कर पाती है।